हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि अगर आपका फिश जो है वो फीडिंग लेना बर्न कर दे और बचने का ज़्यादा कोई चांस नहीं है, अगर वो नहीं खा रहा है सो आप क्या कर सकते हो, उसमें क्या आप दवाई दे सकते हो वो मैं बताऊँगा। सो आज बात करेंगे वार्म आउट के ऊपर, सो डीवॉर्मिंग करने के ऊपर मैं बात करूँगा। सो आज होगा डीवॉर्मिंग करने का कि कैसे आप लोग डीवॉर्मिंग कर सकते हो ताकि आपका फिश जो है वो पूरा एकदम अच्छा हो जाए। सो मैं यूज़ करूँगा डीवॉर्मिंग के लिए ये वाला दवाई जिसका नाम है वार्म आउट, आप लोग देख सकते हो। ये जो है ये थोड़ा कॉस्टली है, 180 रुपये में सिर्फ 60 ml, सो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, आपको चीप सस्ते में भी मिल जाएगा, थोड़ा 10-20 रुपए में सस्ते में मिल जाएगा। मुझे जो है 180 रुपए में मिला और ये पीछे जो दे सकते हो 10 ml में आप 100 लीटर वाटर यूज़ कर सकते हो, 100 लीटर वाटर में 10 ml। और मेरा जो ये वाला रेड टेल कैट फिश है ये खा नहीं रहा है, तो ये और ऑस्कर ये दोनों फिश मैं एक साथ रखूँगा और डीवॉर्मिंग करूँगा। और अगर आपका फिश जो है आप दो ईयर में दो बार भी कर सकते हो, 6 महीने में एक बार, ताकि आपका फिश जो है वो हेल्दी रहे और ज़्यादा कुछ तकलीफ़ नहीं हो, ताकि आपका फिश ऑल टाइम हेल्दी रहे। ये जो है आपका क्रीमी का जो क्रीमी दवाई होता है ना, जो पेट में कीड़ा होता है, जो ह्यूमन का भी होता है, डॉग्स का भी होता है, फिर बर्ड्स का भी होता है, वो वैसी तरीके से ही ये फिश का दवाई है जो देना पड़ता है, ताकि जब भी आपका फिश जो है नहीं खा रहा है सो आप ये कर सकते हो, या थोड़ा बीमार टाइप का है तो ये आप लोग कर सकते हो। और अगर आपका और 6 महीने में भी एक बार आप कर सकते हो। सो ये देख सकते हो ऑस्कर, ये मेरे पास और एक ऑस्कर था जो है टाइगर ऑस्कर था ब्लैक कलर का, सो वो और ये दोनों में बहुत ज़्यादा फाइट हुआ और वो ऑस्कर जो है वो मर गया है, सो मैंने वो उसको तो फेंक दिया, मगर ये जो है ये फीडिंग लेना तब से बंद कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो रहा था, इसलिए बहुत इसको चोट लगा है, इसलिए फीडिंग नहीं ले रहा है, इसलिए मैं ये डीवॉर्मिंग कर रहा हूँ इसका, क्योंकि ये बहुत दिन से फीडिंग नहीं ले रहा था। मैंने स्ट्रेस हिल भी देख लिया था मगर कुछ नहीं हुआ, मैंने रॉक सॉल्ट भी देके ट्राई कर लिया मगर कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं जो ऑस्कर है और रेड टेल है इस दोनों को करूँगा। और फिलहाल तो आपको अपडेट दूँगा कि क्या है। सो ये आप लोग 3 दिन करिए, और 3 दिन और बीच में 2 दिन गैप दीजिए, फिर 3 दिन करिए। अगर 3 दिन या 2 दिन में आपका फिश जो है फीडिंग लेना स्टार्ट कर दिया तो करने का और ज़रूरत नहीं है, मगर अगर फीडिंग लेना नहीं स्टार्ट किया तो आप लोग ज़रूर से कर सकते हो। और फिलहाल तो आप लोग मैं दिखाता हूँ मेरा जो एलिगेटर गार और जो टाइगर सवेलनास है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख सकते हो कितना ही ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ लिया है। और यहाँ पे जो है छोटा ऑस्कर है, सो ये दोनों बहुत ज़्यादा देख सकते हो, टाइगर सवेलनास एकदम पेट उसका भरा हुआ है। और मैं थोड़ा फीडिंग देके भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे तरीके से वो फीडिंग लेता है और कैसे तरीके से शिकार करके वो खाता है। तो यहाँ पे मेरा छोटा छोटा गोल्ड फिश है विदाउट कलर वाला, मैं गैले स्ट्रीट से लेके आया था बहुत सारा, सो यही मैं 2-3-4 देके देखता हूँ कि कैसा तरीके से खाता है। 2 पकड़ा हूँ, मुझे तो लगता है एलिगेटर गार ही पकड़ेगा क्योंकि वो उन लोगों का बहुत ज़्यादा भूख रहता है ऑल टाइम, सवेलनास का भी बहुत ज़्यादा भूख रहता है, देखते हैं कौन खाता है। मैं खिड़की खोल देता हूँ ताकि लाइट अच्छे से आए, सो अभी खिड़की खोल दिया, अभी देखते हैं कौन खाता है। सो फिश को देते और आप लोगों को दिखाते हैं, ये सेकेंड वाला खिड़की नहीं खुल रहा, जाम हो गया है। सो अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे तरीके से ये फीडिंग लेता है, फिलहाल तो एक डालते हैं और देखते हैं कि कैसे तरीके से फीडिंग लेता है, पकड़ता है, देख सकते हो पूरा एकदम जा रहा है, मगर खाएगा कि नहीं खाएगा अभी पता नहीं, देखते हैं। छोटा ऑस्कर अभी नहीं खा सकता क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है, उसका मुँह में नहीं वो आएगा, एलिगेटर गार और टाइगर सवेल ने इजीली खा सकते हैं। अभी तक कोई नहीं खा रहा है इस फिश को, लगता है छोड़ के ही आना पड़ेगा वापस से, अभी तो फिलहाल कोई नहीं खा रहा है।
इसी फीस को वापस से उसका अंदर डाल के आते हैं और बाद में इसको इन लोगों को देंगे, तब देखेंगे खाता है कि नहीं खाता है। और डीमॉर्बिंग का और भी बहुत तरीके का दवाई होता है, मगर मैं तो इसका रिव्यू मैं अच्छा देखा इसलिए मैं यही लिया, ये दवाई बहुत अच्छा है। सो आप भी अगर यूज़ करना तो ये दवाई करना, क्योंकि ये तो मेरे में काम करता है। सो आप ये दवाई यूज़ करना, ये तो बहुत अच्छा है, अगर दूसरा भी कर सकते हो और आपका मर्ज़ी है। सो फ़िलहाल तो पानी जो है वो तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं 50% या 60% चेंज करके फिर 60% चेंज कर दूँगा, क्योंकि ये जो है ये 225 लीटर का टैंक है, 25 या 50 लीटर का। सो ये अगर मैं डालने जाऊँगा तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, 3 दिन या 6 दिन मुझे डालना पड़ेगा, मेरे 60 ml का ही है। सो 10 ml करके मेरा 20 ml चल जाएगा, इसलिए मैं ये जो पानी है वो 100 के भी नीचे डाल के फिर मैं जो है फिश को छोड़ूंगा, ताकि जो है मेरा ज़्यादा दिन तक चले, इसलिए थोड़ा कम कर दूंगा ताकि पानी भी और कम जल पानी रहता तो मछली भी अच्छा रहता है। फ़िलहाल तो यहाँ से थोड़ा पानी कम कर देता हूँ। भाई मेरा रेड टेल कैटफिश बाहर चला गया, इसको पकड़ते हैं भाई, ये तो ड्रेन से अंदर में ये जाल को लेके आते हैं, क्योंकि रेड टेल कैटफिश का फिन बहुत नुकीला रहता है, तो जल्दी से जाल को रहते लेके आते हैं और फिर इसको पकड़ते हैं। जाल मैंने यहाँ पे रख दिया, भूल ही गया था, अभी जल्दी से जाते हैं और रेड टेल कैटफिश को पकड़ते हैं। यहाँ पे रेड टेल कैटफिश लगता है कि वो ड्रेन से बाहर चला गया, कोई नहीं वहाँ पे जाल लगा हुआ है, तो अभी वहाँ पे जाते और फिर वहाँ पे जाके फिर पकड़ते हैं। वहाँ पे फ़िलहाल तो जाते हैं और वहाँ पे गिर गया है, अभी उसको पकड़ते हैं। तो जब जाल से उसको पकड़ते हैं, वो गिर गया है जो रेड टेल कैटफिश और ड्रेन से निकल गया था, अभी इसको पकड़ते हैं, फिर वहाँ पे जाके एक्वेरियम में डालते हैं, फिर इसको डीवॉर्मिंग का दवाई दूंगा। इसको जल्दी से डालते हैं, यहाँ पे पानी अभी भी निकल रहा है, थोड़ा इसका भी पानी में मिक्स कर देता हूँ ताकि एडजस्ट हो जाए दोनों पानी। अभी इसको डीवॉर्मिंग का ये दूंगा। सो अभी आप लोगों को मिलते हैं डीवॉर्मिंग, जब मैं दूंगा तब आप लोगों को मिलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक जो दवाई देने का जो कप सिरप का जो चिपी होता है उसको ले लिया है और 10 ml में डाल दूंगा। सो मेरा जो पानी है वो 100 लीटर का करीब है, सो अभी मैं उसको डाल दूंगा और अच्छे से मिक्स कर लेना। और फिर आप लोग अगर फ़िल्टर कोई भी यूज़ करते हो सो फ़िल्टर जो है वो ऑफ़ कर देना, और हीटर तो यूज़ कर सकते हो आप लोग, और फ़िल्टर ऑफ करके आप लोग सिर्फ ऑक्सीजन जो बॉल होता है वो डाल देना, ताकि जो फ़िल्टर होगा तो वो जो बैक्टीरिया है वो अंदर जाके कैसे फाइट करेगा, वो तो पूरा फ़िल्टर जो है सक कर लेगा, तो कोई काम नहीं करेगा, इसलिए फ़िल्टर आप ऑफ ही रखना। और हर दूसरे दिन आप एक दिन बाद ही आप लोग 50% पानी चेंज करना, और 50% पानी चेंज करके फिर दवाई देना, एक साथ ही एक पूरा दवाई दिया फिर अगले दिन पानी नहीं चेंज करिया फिर दवाई दिया, तो मछली जो है वो मर जाएगा, ज़िंदा नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत हाई पावर हो जाएगा। इसलिए आप लोग ज़रूर से 50% 60% पानी ज़रूर से चेंज करना, और हीटर जो है वो चला के रखना 30 में कर देना, ताकि जो जर्म्स है वो मर जाए, जो फालतू जर्म्स है वो मर जाए। सो मैं फ़िलहाल तो ये जो ऑक्सीजन है ये दे रहा हूँ, ये पत्थर का जो होता है, और अभी आप लोगों को अपडेट भी दूंगा कि कैसा है, जब ये खाना शुरू कर देगा तब मैं अपडेट दूंगा और आपसे बात करता हूँ ये वीडियो में। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, सो बहुत दिन हो गया है, बहुत कुछ हो गया है, क्योंकि मेरा पास जो 2 सॉवेलनॉस था उस लोगों का डेथ हो गया, मैंने शॉर्ट्स भी डाला था, और अभी क्या कर सकते हैं, मगर ये जो ऑस्कर फिश है ये फीडिंग लेना स्टार्ट कर दिया है, देख सकते हो ज़्यादा फीडिंग नहीं लेता, 1-2 दिन लेता है एक दो, और ये मैंने डीवर्मिंग जो 3 दिन ही किया था,
देख सकते हो कैसे फीडिंग लिया था ले रहा है। और मैंने जो है डीवर्मिंग 3 दिन ही किया था, और ये जो है ये 2-3 हफ्ते नहीं खाया था फिर भी डीवर्मिंग के बाद भी, फिर ये जो है ये ठीक हुआ। अभी ये अच्छे से फीडिंग ले रहा है। मैं जब वीडियो पोस्ट करूँगा तब तो 5 और 6 एकदम स्ट्रीम खा लिया है, और रेटल गैडविश भी स्टार्ट कर दिया है खाना। एक मेरा मिल्की है वो खा लिया था, और जो हमारे यहाँ पे एक बाटा माछ होता है सो वो भी ये खाता है और स्ट्रीम भी खा लेता है। सो अभी सब कुछ ये खा लेता है, और थोड़ा साइज़ भी इसका ग्रो हुआ है 3 हफ्ते में। सो अब लोग देख सकते हो डीवर्मिंग जो है वो काम करता है, मगर मेरा सॉवेल नोज मर गया। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।